नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बता दें ये खबर उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 5 दिन पूर्व एक HDFC बैंक के फील्ड ऑफिसर की अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस संबंध में मृतक के पिता राम निवास शर्मा निवासी ग्राम फतेहपुर आनंदीपुर थाना बसई मोहम्मदपुर जिला फिरोजाबाद ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। बता दें इसी बीच वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी द्वारा घटना का तत्काल संज्ञान लेते हुए सभी थाना अध्यक्षों क्राइम ब्रांच की टीम गठित कर घटना का खुलासा करने के लिए लगा दी थी। आज SP सिटी मुकेश चंद्र मिश्रा के यहां अपर पुलिस अधीक्षक शहर ग्रामीण CO सिटी CO सदर के नेतृत्व में एक प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि 21 फरवरी 2022 को HDFC बैंक के फील्ड ऑफिसर शिवम शर्मा बैंक से काम खत्म कर अपने घर ग्राम फतेहपुर थाना बसई मोहम्मदपुर जा रहे थे। रास्ते में मोटरसाइकिल पर सवार दो अज्ञात बदमाशों ने लूट के उद्देश्य से शिवम पर हमला करने का प्रयास किया और नाकाम होने पर गोली मारकर हत्या कर दी। इस संबंध में थाना रामगढ़, थाना रसूलपुर, थाना उत्तर, थाना दक्षिण, वहीं थाना मटसेना, SOG टीम, SOG सर्विलांस प्रभारी के कुशल निर्देशन में एक टीम बनाकर अज्ञात बदमाशों की धरपकड़ अभियान चलाया गया, जिसमें आज मुखबिर की सूचना पर सोफीपुर दरगाह के पास वाटर प्लांट से दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें एक बाल अपचारी है, दूसरे का नाम अरुण उत्र सरजू निवासी गली नंबर 7 रसूलपुर है। मौके पर कब्जे से हत्या में शामिल एक मोटरसाइकिल सुपर स्प्लेंडर जिसका नंबर UP 83 BC 77 60 और घटना वाले दिन में पहने हुए खून के धब्बे सहित अभियुक्त को पकड़ा है। ये शातिर किस्म के अपराधी थे जिनके खिलाफ थाना टूंडला थाना दक्षिण में कई अभियोग पंजीकृत हैं। फिरोजाबाद से इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। इक्कीस तारीख को इसी महीने बसई महमूदपुर थाना क्षेत्र में HDFC बैंक जो कंपनी बाग के पास में है, वहाँ से शिवम नामक फील्ड ऑफिसर ऑफिस से निकल के अपने घर के लिए जा रहा था, तो फ्लाईओवर पार करने के कुछ देर चलने के बाद उसको अज्ञात लोगों ने उसके ऊपर फायर कर दिया, जिससे वो घायल हुआ। हॉस्पिटल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई थी। घटना के खुलासे के लिए, क्योंकि घटना बड़ी अजीब टाइप की थी और एक बैंककर्मी का इस तरह के हादसा हुआ था, तो इसमें जो यहाँ की सक्षम टीम थी, जिसको माना गया कि इन लोगों के द्वारा काफ़ी मदद मिलेगी, उस टीम में थाना उत्तर प्रभारी, रसूलपुर, रामगढ़, मटसेना, बसई मोहम्मद के साथ साथ सर्विलांस एसोसिएट टीम प्रभारी रवि, सबको सम्मिलित करते हुए क्षेत्राधिकारी सिटी SP सिटी साहब, सबको सम्मिलित करते हुए टीम का गठन किया गया। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ रही कि साइंटिफिक एविडेंस की तरफ और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की तरफ बढ़ते हुए काम किया गया, जिसमें बहुत सारे कैमरे, बहुत सारे फुटेज देखे गए और दिन रात मेहनत करते हुए टीम ने घटना का सफल और सटीक अनावरण किया, जिसमें दो अभियुक्त गिरफ्तार हुए, जिसमें एक बाल अपचारी है, दूसरा अभियुक्त अरुण नाम का है। इन लोगों ने बताया कि लूट के इरादे से उसके पीछे लग गए थे और जैसे ही पहुंचा वैसे ही तो उसको रोकने की कोशिश में जब थोड़ा सा प्रतिरोध जैसी चीज़ हुई तो इन्होंने फायर कर दिया, जिससे उसको लग गया और गिरा और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। यह बहुत ही सराहनीय तरीके से किए हुए कार्य का परिणाम है, टीम भावना का परिणाम है, जिसकी भूर प्रशंसा विभाग के द्वारा की गई है और SSV महोदय के द्वारा इनको उचित पारितोषिक की घोषणा की गई है। ताकि मैंने पूर्व में भी आपको अभी बताया बाइट में, एक बाल अपचारी है और एक अरुण नाम का अपराधी है और असलाह भी बरामद कर लिया गया है।